अस्सलामु अलैकुम। ऑन बिहाफ ऑफ US काउंसलेट लाहौर, नेशनल एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन फाउंडेशन, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, आई वेलकम यू ऑल टू दिस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेप दैट इज स्मार्ट टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम। दिस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इज कम्पोज ऑफ अ नंबर ऑफ वेबिनार्स दैट विल बी फॉलोड बाई इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एट अ लेटर डेट। We hope that you find this exercise to be productive, engaging and beneficial on all accounts. Please do not forget to send us your feedback and questions at this email. Let's move on to your webinar for the day. अस्सलाम वालेकुम डियर प्रिंसिपल्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, मेरा नाम जमशेद इकबाल है और मैं पेशे के लिहाज से एक ट्रेनर, एक पीस बिल्डर और कुछ हद तक एजुकेशनिस्ट हूं। तो मुझे एक तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो जिनके हाथों में इस कौम की जो है तकदीर है और उसका फ्यूचर है, और जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हसास काम कर रहे हैं, बिकॉज यू पीपल आर शेपिंग माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसलिए आप बहुत ज़्यादा वाजिबुल तकरीम हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं मेरे नज़दीक, और आप क्योंकि एक बहुत बड़ा और एक हसास काम कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी बड़ा काम होता है, जो भी बड़ा काम होता है, जो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल काम होता है, वो उतनी बड़ी अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। तो मैं समझता हूँ कि आप के कंधों पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, अगली जनरेशन और हमारा फ्यूचर जो भी होगा उसे शेप करने में या डी शेप करने में या उसकी जो भी शक्ल होगी उसमें हमें एक चीज़ अच्छी तरह देख लेनी चाहिए कि उसके रिस्पॉन्सिबल मुझ जैसे ट्रेनर्स और आप जैसे वो लोग होंगे कि जिनके पास ये तमाम बच्चे जिन पे ट्रस्ट करके और जिस पे वालदैन ने ट्रस्ट किया और जिनके पास वो गए कुछ सीखने के लिए। तो एट द सेम टाइम हम आप भी मुझसे बेहतर अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी जितनी बड़ी ताकत किसी के पास होती है तो उतनी बड़ी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। पावर इज़ एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आज हमने इस छोटे से सेशन में जो कुछ बातें करनी हैं वो ये है कि आप ये जो कम्युनिटी कॉलेजेस का एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में करने जा रहे हैं या कम्युनिटी कॉलेजेस का जो सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हो रहा है उसकी हमें शुरुआत कैसे करनी है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसकी वैल्यूज़ कैसे बनानी है, उसका स्ट्रेटेजिक रोड मैप कैसे बनाना है और उसके आउटकम्स को कैसे अचीव करना है, और फिर हमने किस तरह एक रेप्लिकेबल मॉडल इस पाकिस्तान में क्रिएट करना है और दुनिया को दिखाना है। पहले तो खुद अपने आप देखना है, फिर दुनिया को दिखाना है कि हाउ सक्सेसफुली वी कैन रन दीज काइंड ऑफ मॉडल्स। सो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इस एक चीज़ जो इसका बैकग्राउंड, मैं ये समझता हूँ कि बहुत हद तक हमारे यहाँ जो पहली चीज़ होती है कि वो ये है कि हर एज, हर दौर एक नया चैलेंज लेके आता है, हर दौर एक नए किस्म का, वो कहते हैं कि हर दौर में रूह असर करवट लेती है। तो एक नए एंगल से हम चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि नए अलूम हमारे सामने आते हैं, नई दरियाफ्तें हमारे सामने आती हैं और नए गैजेट्स आते हैं। और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं एक छोटा सा नया गैजेट, अगर एक छोटी सी नई ऐप अगर इंट्रोड्यूस होती है तो वो हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज करके रख देती है। सो ये एज जो हमारे सर पे है जिसे हम हाई टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज कह रहे हैं, ये अपने चैलेंजेस लेके आई है और ये अपनी मुश्किलात लेके आई है। लेकिन हम और आप बहसियत एजुकेशनिस्ट और तालीम के शोबे से और कलम के शोबे से वाबस्ता लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हर चैलेंज अपने साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है। कि जैसे हमने देखा है कि यही जो हाई टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है वो जहाँ एक नया चैलेंजेस हमारे लिए लेके आई है, वहाँ उसने बहुत सी चीज़ों को फैसिलिटेट भी किया है
कि वो जो चीज़ें हमें आउटरीच करने के लिए, जिन सर्विसेज को आउटरीच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब वो हमारी फिंगर टिप्स पे हैं। हम दुनिया की किसी किताब के एक्सट्रैक्ट्स घर में बैठे हुए पढ़ सकते हैं, कोई खाना मंगवा सकते हैं, दवाई मंगवा सकते हैं। इवन बहुत सी जगहों पे तो ये भी है कि ड्रोन्स के ज़रिए आप ग्रॉसरी कर सकते हैं घर पे बैठ के। तो जहाँ इसने बहुत हद तक, इस नई टेक्नोलॉजी ने, इस नए एरा ने हमारे लिए बहुत से नए चैलेंजेस पैदा किए हैं, एट द सेम टाइम उसने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि सड़क पे फूड पैंडास नज़र आते हैं, मुख्तलिफ इस किस्म की ग्रॉसरी सर्विसेज के लिए काम करने वाले नौजवान हमें नज़र आते हैं, बहुत से लोग क्रीम चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं। और ये अदरवाइज़ अगर ये टेक्नोलॉजी इस टाइप की ना होती, इंटरनेट बेस्ड कैब्स ना होती या इस किस्म की सर्विसेज ना होती, तो हो सकता है कि यहाँ बेरोज़गारी की शरह इससे भी ज़्यादा होती, कहीं ज़्यादा होती। और हमारा ये मुल्क जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और हमारे बहुत सी दीगर मुश्किलात हैं, हम कैसे इतने बड़े तादाद में बेरोज़गार नौजवानों को हैंडल कर रहे होते। तो ऐट द सेम टाइम जो चीज़ हमारे लिए एक चैलेंज बन के आई, नई टेक्नोलॉजी एक नया चैलेंज बन के आई, और हमें अब जैसे ख़ास तौर पे साइबर एज के बच्चे समझ नहीं आते कि जो हाथों में स्मार्टफोन्स लेके बड़े हुए हैं उनकी हमें समझ नहीं आती। तो ये पहली जनरेशन है कि जो अपने हाथों में स्मार्टफोन्स लेके बड़ी हुई है, और हम पहली दफ़ा दुनिया भर के पेरेंट्स और आप जैसे एजुकेशनिस्ट ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस जनरेशन का तजर्बा कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है, ख़ासतौर पर मेरी मिसेज मुझे कहती हैं कि ये किस किस्म के आपके बच्चे हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया सोच रही है कि ये किस किस्म के बच्चे हैं, बट लेट्स ट्रस्ट, पुट आर ट्रस्ट इन देम। हमें इन पे इत्माद करना चाहिए, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हम पे इत्माद किया कि हम भी कंपैरेटिवली एक नई एज में पैदा हुए थे, कि ये टीवी और ये केबल और इस किस्म की चीज़ें हमारी एज में आना शुरू हो गई थी। जिस तरह हमारे वालदैन ने हम पे ट्रस्ट किया, उसी तरह हमें इस जनरेशन पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, जैसे हमारे बड़ों ने हम पे ट्रस्ट किया। हमारे दौर में भी कुछ नई चीज़ें आई थी, इवन जो बहुत पहले के लोग हैं उनके दौर में टीवी नया नया आया होगा, और उनके दौर में इवन हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हों कि जिन्होंने पहली दफ़ा रेडियो, जिनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया, और उस दौर में भी लोग यही सोचते होंगे कि इस जनरेशन का क्या बनेगा। लेकिन हर जनरेशन पे हमें जब ट्रस्ट होता है, अगर हमें अपनी तरबियत पे एतमाद होता है और हमें अपने विजन पे एतमाद होता है, तो बच्चे डिलीवर करते हैं और खूब डिलीवर करते हैं। तो इसी तरह हमें इस, ये जो एज हमारे सर पे है, ये अपने साथ हमें एक तरफ तो नज़र आता है कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेके आई है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि यही एज हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई है। जैसे हमने कहा कि हर नया दौर नए चैलेंजेस लेके आता है और नए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है, और उसके साथ साथ हर नया दौर पुराने मसाइल के नए हल का भी तकाजा करता है। और ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है बस लोगों को समझने में कि हर दौर में जब नए प्रॉब्लम सामने आते हैं तो वो नए सॉल्यूशंस भी डिमांड करते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि जो पुराने सॉल्यूशंस होते हैं वो खुद प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो अब इस नई एज में और इन नए तकाज़ों और इन नए चैलेंजेस के साथ जो हमसे सबसे बड़ी डिमांड ये सारी सूरत हाल कर रही है, वो यही कर रही है कि हमें इन नए मसाइल का नए सॉल्यूशंस निकालने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन, सबसे बड़ा एजुकेशन के हवाले से मसला ये भी रहता है कि हम आम तौर पे स्कूलों और कॉलेजेस में जो कुछ पढ़ा रहे होते हैं उसका एवरीडे रियलिटी से आम तौर पे कोई इतना ताल्लुक नहीं होता। लोगों की सोशल साइकोलॉजी पे ख़ास तौर पे कोई काम नहीं हो रहा होता, लोगों के लोग आपस में टूट फूट का शिकार हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे करिकुलम्स में और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सोशल कोहिजन पे बात नहीं हो रही, कि जैसे इस कमरे में मैं बैठा हूँ तो इनकी ईंटों को आपस में जोड़ा हुआ है तो वो सीमेंट ने जोड़ा हुआ है। इसी तरह हर समाज में सोशल कोहिजन की फ़ोर्स होती है जो सीमेंट का काम करती है, कि जो मुख्तलिफ़ ग्रोह, जो मुख्तलिफ़ अकायद, मुख्तलिफ़ नज़रियात और मुख्तलिफ़ ख्यालात रखते हैं उनको आपस में जोड़े रखती है। हमारे इर्द गिर्द ये सारा कुछ नज़र आता रहा, हम ये देखते रहे अपनी आँखों से, उस टूट फूट को हम देखते रहे, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम
बिल्कुल इस नीड को केटर नहीं कर रहा था कि वो जो सोशल ग्लू है और वो जो फोर्स है जो एक दफ़ा फिर इन सेग्रीगेट होते हुए समाज को आपस में जोड़ सकती है, तो उसको वापस कैसे लेके आना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए ये रहा है कि जो हमारी एवरीडे रियलिटी होती है, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, जो कुछ हमारे समाज में हो रहा होता है, उसका सलूशन और उसका एक सस्टेनेबल सलूशन तलाश करना भी बहुत हद तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का काम होता है। लेकिन हम ये भी देखते रहे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट वाज हैपनिंग इन द सोसाइटी। सो एक दफ़ा फिर ये एज, ये जो अपॉर्चुनिटी आप कम्युनिटी कॉलेजेस का तजर्बा करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको एक दफ़ा फिर इस पोजीशन में लेके आ सकती है कि आपके हाथ में हो, इस समाज के की नब्ज़ आपके हाथ में हो, आप इस समाज के नब्बास हों और आप ही इस समाज के मौलिज हों और आप ही बहुत से जो अगली जनरेशन मसाइल का शिकार हो सकती है उसके हल तलाश करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब ये नए चैलेंज का जो हमें सामना है कि जिसमें हमें कम्युनिटी कॉलेजेस के सिस्टम को जो यूएस में प्रैक्टिस किए जाते थे यहाँ रेप्लिकेट किया जा रहा है उस मॉडल को, तो ये सिचुएशन जो है हमें बहुत हद तक ये नहीं है कि हमने हूबहू वो सारा सिस्टम वहाँ से लाके यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है या उसे रेप्लिकेट कर लेना है, तो उसमें हमारा अपना समाज के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं, बल्कि बहुत हद तक डिफरेंट हैं, हमारी मार्केट बहुत हद तक डिफरेंट है, हमारा जो समाज का समझ लें कि ताना बाना है वो बहुत हद तक डिफरेंट है। तो ये सिचुएशन हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होने का हमसे तकाजा कर रही है, ये सिचुएशन हमें थोड़ा सा क्रिएटिव और थोड़ा सा स्ट्रेटजिक होने का तकाजा कर रही है। तो सबसे पहला इस सिलसिले में स्टेप, इस सारा कुछ करने में जो पहला स्टेप है वो तो ये है कि हमने इस सारी सिचुएशन को, इस सारे चैलेंज को जो हम लेने जा रहे हैं उसे पॉजिटिवली वेलकम करना है और चेंज को क्रिएटिव अंदाज में देखना है और सॉल्यूशंस भी इसकी हमने खुद ही फाइंड करनी है, क्योंकि ये हमारे समाज के, जैसे मैं कह रहा था, कि मसाइल हैं और हमारे समाज के मसाइल हम ही बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। जैसे मछली समझ सकती है जो पानी में होती है कि पानी क्या है, और उसे बाज़ुकात पानी से निकल के एहसास होता है कि पानी क्या है, लेकिन उसकी गहराई को, समंदर को वो जितनी बेहतर समझती है तो वो बर्ड नहीं समझ सकता जो ऊपर से समंदर को देख रहा होता है। तो हमने नंबर एक तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी है और दूसरा वी हैव टू बी क्रिएटिव। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन मेकिंग, टाइम एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, कई दफ़ा ये इस्तलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हमसे डिमांड क्या करती है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हमसे डिमांड करती है एक वैल्यू सिस्टम की, एक पर्सनल विजन की और मिशन ओरिएंटेड अप्रोच की और वैल्यूज़ ओरिएंटेड अप्रोच की। हम आगे चल के इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और एक बात हमें कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के तौर पे ये जहन में रखनी चाहिए कि दुनिया में जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, वो जहाँ से ट्रिगर होती हैं और उस सारी तब्दीली के अमल को जो जगह, जो मकाम लीड करता है और जो लोग लीड करते हैं वो कोई और नहीं है, वो आप हैं और वो मकामात हैं कि जहाँ आप बैठे हैं, जिन्हें हम कॉलेजेस कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें वैल्यू बेस्ड अप्रोच के साथ चलना होता है, वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चलना होता है, हमें कुछ वैल्यूज़ ड्राफ्ट करनी पड़ेंगी कि हमने चूंकि अपने समाज के मुताबिक, अपने समाज की अपनी मखसूस साइकोलॉजी के मुताबिक और एक कल्चर सेंसिटिव वे में इस सब को लेके चलना है, तो हमें सबसे पहले ड्राफ्ट आउट करनी होगी वो वैल्यूज़, और ख़ासतौर पर वर्क प्लेस वैल्यूज़। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्क प्लेस वैल्यूज़ क्या हैं। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं वर्क प्लेस वैल्यूज़ आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू अबाउट द वे दैट यू वर्क। तो हम जिस अंदाज में काम करते हैं
उसके अंदाज़ को मुतय्यन करने में हमारी जो बेसिक प्रोफेशनल वैल्यूज़ होती हैं उनका बहुत बड़ा काम होता है। वो हमें गाइड करती हैं कि हम आया कि दुरुस्त मकाम और दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और अगर वो वैल्यूज़ ना हों वो तो हमें अपने लिए ये तय्यन करना भी बाज़ुकात मुश्किल हो जाता है कि वेदर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि या हम पीछे हट रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। तो इस तरह एक पहला फंक्शन तो इन वैल्यूज़ का ये है कि आपके काम का अंदाज़ वो मुतय्यन करते हैं। और दूसरा उनका ये है कि जैसे आप एक दफ़ा फिर स्क्रीन पे देख सकते हैं, दे आर डीपली हेल्ड प्रिंसिपल टू चूज़ बिटवीन राइट एंड रॉन्ग वेज ऑफ वर्किंग। और जब तक हमारे पास हम कोई वैल्यूज़ इस किस्म की वर्क प्लेस वैल्यूज़ ड्राफ्ट नहीं करते तो हमें ये भी पता नहीं होता कि हम काम दुरुस्त अंदाज में कर रहे हैं या गलत अंदाज में कर रहे हैं। एंड दे हेल्प यू टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस एंड चॉइसेस। तो आपका अगर कोई वैल्यू सिस्टम आप मुरतब नहीं करते तो आपके पास आपको ये भी समझ आना बाज़ुकात मुश्किल हो जाता है कि आपने कौन सा डिसीजन लेना है। और हम इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जो हर वक्त एक सदराहे पे होता है, एक ऐसी जगह पे खड़ा होता है जहाँ से 100 रास्ते फूटते हैं और उन 100 रास्तों में से उसने एक बेस्ट रास्ते का इंतखाब करना होता है। तो वैल्यूज़ ना हो तो हमें ये डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे आप इसमें तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये 3-4 बुनियादी वैल्यूज़ होती हैं कि जो हर इंसान मतलब अपनी लाइफ के लिए भी अपनाता है, और वर्क प्लेस वैल्यूज़ भी यही होती हैं। एथिक्स है, रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है और इंटेग्रिटी है। इसी तरह अब जैसे मैंने पिछली तस्वीर में मैंने कहा कि 3-4 वैल्यूज़ वहाँ दिखाई गई थी, यहाँ थोड़ी सी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किस किस्म की वैल्यूज़ हो सकती हैं कि जो हम जिनकी बुनियाद पे अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रस्ट। और ट्रस्ट यू नो कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज ट्रस्ट तो काम चल नहीं सकता। अब वो ट्रस्ट क्या है, आपको जैसे मैं पहले कह रहा था कि हर एज में थोड़ा सा चेंज होता है, हर दौर का इंसान, हर दौर का बच्चा उस दौर का बच्चा होता है, तो उसे पिछले दौर का बच्चा नहीं बनाया जा सकता। और पहले पहल हम थोड़े से घबराते हैं कि ये इस दौर की जनरेशन क्या कर रही है, लेकिन इफ़ यू बी पुट ट्रस्ट इन देम, अगर हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हम पे किया, हम भी कुछ ऐसा कर रहे थे कि जो वो नहीं करते आए थे, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमने उनके ट्रस्ट को ठेस नहीं पहुंचाई। सिमिलरली हमें अपनी इस नस्ल पे और इस ये जो जनरेशन है कि जो इंटायरली एक नई सिचुएशन में पैदा हुई है और ये जैसे हैं, इनको शेप करने में बहुत हद तक इस दौर का भी हाथ है, तो हम इन्हें मुरद इल्ज़ाम ना ठहराएं बल्कि इसी में से, इन्हीं चैलेंजेस में से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। सबसे पहले तो म्यूचुअल ट्रस्ट का जो रिश्ता है, स्टूडेंट शुड आल्सो कम विद ट्रस्ट दैट दे आर गोइंग टू मेक मी समथिंग, दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म मी इनटू समथिंग। और सिमिलरली आपकी तरफ से ये म्यूचुअल ट्रस्ट का ये होना चाहिए कि आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए इन बच्चों की, इन नौजवानों की एनर्जीज़ में। और जवानी होती ही एनर्जी का नाम है बेसिकली, ये यूथ इज़ बेसिकली एनर्जी। और हमारा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का काम ये होता है कि उस एनर्जी को हमने क्रिएटिव आउटलेट्स कैसे देने हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके वही एनर्जी। और क्रिएटिव आउटलेट्स देना और वो बहुत हद तक इदारों का काम होता है, वो बहुत हद तक आप जैसे बड़ों का काम होता है कि एनर्जी फीस आते ही उसकी कोई शेप नहीं है और वो किसी भी सिम्त जा सकती है, लेकिन उसकी सिम्त मुतय्यन करना और उसे क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव आउटलेट देना कि जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, दिस इज़ आवर ड्यूटी वंस अगेन। दूसरी अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी हो सकती है दूसरी वैल्यू कि आप म्यूचुअली अकाउंटेबल हों। अब इसमें कोई ये ना हो कि कोई भी उससे किसी जाब्ते से जो हमने वैल्यूज़ तय की हैं उससे बालातर है, तो आप म्यूचुअली अकाउंटेबल हों। और एक खूबसूरत चीज़ जो एक लर्निंग इंस्टीट्यूट की, एक कॉलेज की या एक यूनिवर्सिटी की वो हो सकती है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड बी कंटिन्यूस। आप हमेशा नए से नए आइडिया के लिए को अपनाने के लिए बेशक हमेशा के लिए तैयार रहें। और एक सबसे इस सिचुएशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो ये है कि आम तौर पे हमारी लर्निंग की राह में हमारी इग्नोरेंस हाइल नहीं होती जितनी हमारी पुरानी लर्निंग हाइल होती है। तो हम आम तौर पे समझते हैं कि नई लर्निंग इसलिए नहीं हो रही कि कोई इग्नोरेंट है, नहीं, बाज़ुकात उससे
ख़तरनाक चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात हम नई चीज़ सीखने से इसलिए भी इनकार कर सकते हैं देते हैं क्योंकि हम पुरानी लर्निंग को अनलर्न करने के काबिल नहीं रहे। तो एल्बर्ट टॉफलर ने कहा था कि 21st सेंचुरी का जो लर्नड आदमी होगा वो होगा जो कॉन्स्टेंटली लर्न भी कर रहा होगा और पुरानी लर्निंग को अनलर्न भी कर रहा होगा। तो हमें बाज़ोकात ये नहीं होता कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमारी लर्निंग की राह में हमारी जहालत हायल होती है, जहालत से ज़्यादा हमारी पुरानी लर्निंग जो बहुत हद तक हमारे अंदर जड़ें पकड़ चुकी हो वो हमारी नई लर्निंग की राह में हायल हो जाती है। इसीलिए अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस बात को अपना वतीरा बना लें कि लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यूस रहना है और तो ये यकीनी हो जाएगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट भी कांस्टेंट हो जाएगी, आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करेंगे, आपके काम में एक अगली वैल्यू की तरफ जो हम आते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं इनोवेशन आएगी, और इनोवेशन आएगी जहाँ पे तो क्वालिटी आएगी। आप बेशक नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स में ट्रायल और एरर का वो सिलसिला चलता रहेगा, आप नई चीज़ ट्राई करेंगे उसमें कोई गलती होगी उससे कुछ लेसन लर्न करेंगे और लेसन लर्न करके अगर नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, एरर्स को अगर नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करेंगे तो आपके काम में क्वालिटी आती चली जाएगी। और ये सब कुछ उस वक्त भी हासिल होता है आमतौर पे जब हम एक टीम की सूरत में काम करते हैं, टीम की सूरत में काम करते हैं। आमतौर पे ये होता है कि कोई एक लीडर किसी काम का जो होता है, एक जो सारे प्रोसेस को लीड कर रहा होता है, वो चाहता है कि वो सिर्फ अपनी आँख से उसे जो नज़र आ रहा है बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। लेकिन जब तक हम एक प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से नहीं देखते, मुख्तलिफ जावियों से नहीं देखते, उस वक्त तक हमें कोई उसका सही और वर्केबल सोल्यूशन भी आमतौर पर समझ नहीं आता। तो ये उस वक्त भी मुमकिन होगा कि जब आप टीम वर्क को अपनी वैल्यूज़ में जगह देंगे कि हम सब ने मिल के काम करना है, और उससे जब टीम वर्क होगा तो आपके काम में क्या आएगी, डाइवर्सिटी आएगी। सिर्फ ये नहीं है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कुछ जूते बनाने वाली फैक्ट्रीज नहीं है कि जिसमें एक साइज़ का जूता बनाया जा रहा है और एक ही किस्म की चीज़ें बनाई जा रही हैं। बेसिकली वी आर डीलिंग विद ह्यूमन माइंड्स, और ह्यूमैनिटी जो है और उसका ब्यूटी और उसका हुस्न भी ये है कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होता है। और इंडिविजुअल्स के अलावा अगर टोटल हम ह्यूमन फैमिली का देखें, ह्यूमन कम्युनिटी का देखें, तो हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मैं आमतौर पे लोगों से ये सवाल करता हूँ कि आप फलां मुल्क में जाते हैं तो क्या देखने के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम उनका डिफरेंट कल्चर देखने जाते हैं, उनका डिफरेंट लैंग्वेजेस उनकी देखने जाते हैं, उनका रहन सहन का सिस्टम बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अब मैं जब आमतौर पर किसी ट्रेनिंग में लोगों से सवाल करता हूँ कि अगर सब एक जैसे हों तो आपको क्या उधर जाने का या कहीं जाने का मज़ा आएगा, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसी तरह अगर हम, वो कहते हैं कि डाइवर्सिटी इज़ स्पाइस ऑफ लाइफ, और इस ज़िंदगी की डिश में जो मसाला है वो बेसिकली डाइवर्सिटी का मसाला है, हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये चीज़ इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। और जब हम इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और इम्ब्रेस करना और इससे हंस लेना शुरू कर देते हैं, तो तब एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक लर्निंग एनवायरनमेंट भी बनता है और एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट भी बनता है जहाँ पे ये तमाम वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि पर्सनल विजन और मिशन होना चाहिए, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल, एक तो वो आपका पर्सनल विजन और मिशन तो होता ही है कि मैंने दुनिया में, फॉर एग्जांपल हम बैठ के सोचते हैं कि मैं अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ, इसी तरह जिस मकाम पे आप आज मौजूद हैं तो किसी वक्त कोई ऐसा वक्त होगा जब आपने इसका ख्वाब देखा होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, और फिर आपने ये सोचा होगा कि ये कुछ करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, माइलस्टोन्स कितने हैं। जैसे हम मुल्तान से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर जाते हैं तो हमें किस किस शहर से गुजरना है, किन किन मकामात से गुजरना है और कितना फासला तय करना है। इसी तरह आपने भी सोचा होगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितने माइलस्टोन्स तय करने हैं, और उसने आपने माइलस्टोन्स तय किए और आज आप यहाँ हैं जहाँ पे आप मौजूद हैं। अब इसी बिल्कुल इसी एंगल से ये देखें कि आप एक ये जो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, ये दिस इज़ समथिंग इंटायरली न्यू,
आप ये देखें कि आप क्या पैदा करना चाहते हैं, इन बच्चों को जो आपके पास आएंगे, इन प्रोग्राम्स को आपकी हद तक किस तरह सक्सेसफुल करना चाहते हैं। आपको कुछ मकासद तय करने पड़ेंगे और उन मकासद की मदद से आप ये तय कर पाएंगे, उनका हसूल ये तय करेगा कि आया कि आप अपने काम में कामयाब हुए हैं कि नहीं। जैसे आपने ये मकसद बनाया था कि आप इस मकाम तक पहुँचेंगे, जिस मकाम पर आप आज हैं, तो उसकी मदद से आप ये तायुन कर सकते हैं कि जितना कुछ आपने किया दैट वाज फ्रूटफुल। और सिमिलरली आप एक ये देखना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और आप हमारे ये जो बच्चे हैं जो हमारे पास आएंगे वो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारें और ना सिर्फ अपने मुल्क के बल्कि इस दुनिया के बेहतरीन शहरी बने, जो कुछ इस दुनिया को और अपने मुल्क को ख़ास तौर पर कुछ दे के जाएँ, तो उसके आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ अब हम आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मकासद बनाए कैसे जाते हैं आम तौर पे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, अपने प्रोग्राम्स के आप मकासद कैसे उनका तायुन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स तरतीब देते वक्त एक बात जहन में रखनी चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, और इसमें स्मार्ट वो फिज़िकल स्मार्टनेस नहीं है, इसमें ये है कि स्मार्ट SMART जैसे चार अल्फाज से मिलके बनता है, तो S स्टैंड्स फॉर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स में कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, आप चाहते क्या हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, कि कितनी मकदार होगी जो कुछ आप करना चाहते हैं और कितने अरसे में वो तैयार होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साल में, इन दो सालों के पीरियड में आप कितने बच्चे मार्केट में यहाँ से आपके फारिग व तहसील होकर निकलेंगे और किस किस्म की स्किल्स लेके निकलेंगे। और तीसरा A स्टैंड्स फॉर अटेनेबल या अग्रीड, फेलियर शुड नॉट बी बिल्ड इनटू द ऑब्जेक्टिव्स। आमतौर पे ये होता है कि हम बड़े बड़े, हमारे यहाँ जो एक दावे किए जाते हैं, हमारी जो लैंग्वेज बहुत हद तक है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तौर पे, मैं ये, हम एक स्टडी में हमने हिस्सा लिया तो हमें पता चला कि हम हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन करते हैं। हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन आमतौर पे मेजरेबल नहीं होती, और आमतौर पे अटेनेबल नहीं होती। हम आमतौर पे अपनी लैंग्वेज पे गौर करें तो हम बड़ी बड़ी वो दामों पे मबनी होती है, वो स्मॉल डूएबल स्टेप्स पे मबनी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कहेगा कि हम इस कौम की तकदीर बदल के रख देंगे, तो कोई कहेगा कि हम इसकी गैरत और हमीयत में इजाफा कर देंगे, और ब्ला 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 इस किस्म की चीज़ें कि जो मेजरेबल ही नहीं होती एट द एंड ऑफ द डे। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होंगे तो हम इस बहुत बड़े लैंग्वेज के इस बहुत बड़े ट्रैप से बच जाते हैं कि जो हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन में आमतौर पे हम करते हैं, जिसमें दावे बहुत ज़्यादा होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे हम डिलीवर कुछ नहीं पाते कर पाते। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर हमारे स्मार्ट होंगे, जो हम ऑब्जेक्टिव तय करेंगे, तो उससे हम वो डिलीवर कर पाते हैं कि जो कुछ हमने सोचा था और जो कुछ हम करना चाहते हैं। और इस स्मार्ट में R स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट आर रियलिस्टिक। आमतौर पर यही वंस अगेन जो हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन हम करते हैं, जो हमारे दावे जो अटेनेबल भी नहीं होते, मेजरेबल भी नहीं होते और रियलिस्टिक भी नहीं होते आमतौर पे, लेकिन हमने ये करना है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव तय करने हैं, तो ये जो हाई कॉन्टेक्स्ट हमारी कम्युनिकेशन होती है, इसमें हम जो दावे करते हैं वो आमतौर पे मेजरेबल भी नहीं होते, अटेनेबल भी नहीं होते और वो स्पेसिफिक भी नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट रखते हैं तो ये सब हम कर पाते हैं, वो बहुत हद तक रियलिस्टिक होता है। और दूसरा ये है कि टाइम बाउंड तो ऑफ़ कोर्स वो है ही, कि हर कोर्स जैसे कहा जा रहा है कि वो दो सालों का होगा, और दो सालों के अंदर हमने क्या अचीव करना है, हमने कैसे अचीव करना है, हमने कैसे अपनी सक्सेस को मेजर करना है, तो हमने कैसे ऐसे ऑब्जेक्टिव तय करने हैं जो काबिल हसूल हों, ऐसे ना हों कि वो जस्ट हवाई बातें हों और जो हासिल ना हो सकें, और वो किस हद तक रेलेवेंट या रियलिस्टिक हों। रेलेवेंट से मुराद ये है कि एक ऐसी जगह, कि एक ऐसा गांव कि जो बिल्कुल चश्मे के किनारे कहीं पे बैठा हुआ है, जहां साफ पानी और मिनरल पानी नेचुरल निकल रहा है, तो वहां जाके कोई ऐसी फैक्ट्री की जो पानी बेचती है, बेचने वाली कंपनी हो, वो अपना बिजनेस नहीं चला सकती, क्योंकि वो वहाँ रेलेवेंट नहीं है। क्यों, जो हमने फिर यहाँ पर जो ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होंगे तो हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो भी
हमने यहाँ बच्चों को स्किल देनी है या बच्चों को जो कुछ सिखाना है या जिस किस्म के कोर्सेज शुरू करने हैं वो रेलेवेंट हैं, वो इस मार्केट में, हमें थोड़ी सी उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी कि मार्केट में उसकी डिमांड है। कोई हम ऐसी चीज़ तो पैदा नहीं कर रहे, कोई ऐसी स्किल तो लोगों को नहीं दे रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को टैटूस बनाना तो नहीं सिखा रहे जबकि यहाँ पे कोई टैटू बनवाने वाला ही ना हो। और इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक जो जैसे मैंने वैल्यूज़ में बात की कि हमने आप लोगों ने सब ने टीम में काम करना है, टीम के तौर पे काम करना है। और टीम में काम करने का जैसे मैं पहले कह रहा था कि एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक गिवन प्रॉब्लम को हम मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं। तो इसी किस्म का, इसी शुरुआत से पहले, इवन ऑब्जेक्टिव्स भी तय करने से पहले एक टूल है एनालिसिस करने का। अगर हम उस टूल को अपना लें, एक टीम में बैठ के आप सब लोग अपनी टीम को इकट्ठा करके अगर ये सारा कुछ कर लें तो मेरा ख़्याल है मज़ीद आसानी पैदा हो सकती है। कि जैसे वैल्यूज़ आपने तय करना, उसकी इम्पोर्टेंस देखी, आपने पर्सनल विजन और मिशन बनाने के हवाले से हमने बात की, और उसके बाद हमने अभी आखिर में बात की स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स पे। इसी तरह आगे चल के आगे बढ़ने से पहले आप एक स्वॉट एनालिसिस अगर आप कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसमें एस है, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, और डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज, और टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। ये एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे मैं पिछले उसमें बात कर रहा था कि हम हाई कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग हैं, और हाई कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग होने की वजह से हम बहुत बुलंदोबांग दावे करते हैं और हमारी बहुत सी चीज़ें रियलिस्टिक भी नहीं होती और वो अटेनेबल भी नहीं होती। और जब हम वो करने के लिए निकलते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि जो कुछ हमने सोचा होता है वो ना अटेनेबल होता है, ना वो मेजरेबल होता है, ना वो टाइम बाउंड होता है, और ना ही वो पॉसिबल होता है, और ना ही वो रेलेवेंट होता है। तो वो सारा कुछ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स भी उस वक्त आप बनाने के काबिल होते हैं कि जब अपने आप को ईमानदारी की आंख से देखते हैं। ये जो स्वॉट एनालिसिस है कि ये हमें हेल्प करता है कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ तक जाने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत होगी। इसमें एस जैसे हम कह रहे थे कि स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, आपने एक टीम में बैठना है, अपनी टीम को इकट्ठे करना है और ऐसे ही चार खाने बना लेने हैं कि जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स लिख लेने। और जो कुछ आपकी टीम जो कुछ समझती हो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले आपने ये सवाल पूछना है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो स्ट्रेंथ आपके पास, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन करें, उसके बाद अपनी वीकनेसेस को नोट डाउन करें। और ये सारा कुछ नोट डाउन करने के लिए ईमानदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि अपने आप को कहते हैं कि कोई जितना बड़ा मुसव्विर हो जाए अपनी तस्वीर खुद नहीं बना सकता, लेकिन ये हमने अपनी तस्वीर बनानी है और हमने रियलिस्टिकली ये देखना है कि हमारे पास स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, उसके बाद देखना है कि हमारे अंदर कमज़ोरियाँ कौन सी हैं, उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं और थ्रेट्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे रास्ते में हायल हो सकती हैं। स्ट्रेंथ्स जो भी निकलें ईमानदारी से, जो भी आपके सामने आपकी स्ट्रेंथ्स आएँ, स्ट्रेंथ्स का क्या करना है, आपने उस पर बिल्ड ऑन करना है, आपने उन्हें मैक्सिमाइज करना है। और वीकनेसेस जो भी आपके सामने आएँ उनके सिलसिले में आपने क्या करना है, आपने उन पर काम करना है, उन्हें मिनिमाइज करना है। स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करना है और वीकनेसेस को मिनिमाइज करना है, और अपॉर्चुनिटीज़ जो कुछ भी हों उन्हें अवेल करना है और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करनी है। और इसी तरह जो थ्रेट्स हों, थ्रेट्स के से निपटने के कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव वेज तलाश करने हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के बगैर, किसी कॉन्फ्लिक्ट से मुराद वैसे वायलेंस नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए बगैर, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट किए बगैर, क्रिएट किए बगैर हम उसका सोल्यूशन तलाश कर सकें। तो ये अगर आपने सब कुछ कर लिया, आपने वैल्यूज़ भी अपनी तय कर ली, आपने पर्सनल विजन और मिशन भी तय कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिव भी स्मार्ट बना लिए, तो उसके आगे चल के अपना आपने सोर्ट एनालिसिस भी कर लिया, हेयर स्टैंड्स, और उसके बाद आपका एक मुकम्मल, आप बिल्कुल तैयार होंगे कि एक स्ट्रेटिजिक प्लान बनाएं, अपना स्ट्रेटिजिक प्लान बनाएं कि हमने ये सारा कुछ जो सोचा है और जो नई
हमारे ऊपर अपॉर्चुनिटी आन पड़ी है, तो इसको हमने इससे किस तरह नबरदाजमा होना है और इससे किस तरह सक्सेसफुली हमने डील करना है। तो ये प्लान बनाने से पहले आपको फोकस करना पड़ेगा व्हाट इज़ विद इन योर कंट्रोल एज अपोज टू थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। आमतौर पे हम कोई भी प्लानिंग करने लगते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र उन चीज़ों पे पड़ जाती है कि जो थ्रेट्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं आपने, लेकिन इस सारी मनसूबाबंदी के दौरान सबसे पहले हमारा फोकस उस चीज़ पे होगा, उन सब चीज़ों पे होगा कि जिसमें जिन पे हमारा कंट्रोल है, और उन चीज़ों को कुछ देर के लिए हमने नज़रअंदाज करना है कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। आमतौर पे हमारा रवैया ये होता है कि हम किसी भी तब्दीली या नई अपॉर्चुनिटी जब हमारे सामने आती है या नया चैलेंज आता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन उसको देखने का एक और ढंग भी हो सकता है किसी भी नई चीज़ का। जैसे हमने शुरू में कहा था कि हर चैलेंज जो है ना अपने साथ अपॉर्चुनिटी लाता है, तो इसी तरह तब्दीली भी कुछ नया लाती है, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स लाती है। कि हमने इस तब्दीली के ये जो कुछ हम नया करने जा रहे हैं उसमें भी ये देखना है कि ये जब कुछ सब कुछ हो जाएगा अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा, और जब हम उसके पॉजिटिव नतीजे पे गौर करेंगे तो वी वुड स्टार्ट लविंग इट वट एवर वी आर डूइंग, हम उसे दिल से करना शुरू हो जाएंगे एज अपोज टू लुकिंग एट वट यू विल बी गिविंग अप। हम आमतौर पे ये सोचते हैं कि ये जो नया हमारे सामने एक नया काम करने को आप पड़ा है तो ये हमें ये कुछ गिव अप करने को कह रहा है। कि आप एट द सेम टाइम अगर उसे पॉजिटिव एंगल से देखें तो आपको ये भी नज़र आएगा कि जो कुछ हम गिव अप कर रहे हैं शायद उससे कोई ग्रेटर थिंग को, उससे थोड़ी सी बड़ी चीज़ हमारे हाथ में भी आ रही है, तो हमें एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। और ये पॉजिटिव आउटकम्स पे नज़र रखने की एक मिसाल ये भी है कि आमतौर पे बहुत से लोग, जैसे आजकल वेट लूज़ करने का एक बहुत ज़्यादा लोगों को शौक़ है कि वो दुबला पतला होना चाहते हैं। मैंने आमतौर पर देखा है कि वो लोग वेट लूज़ नहीं कर पाते जिनकी नज़र इसी बात पे होती है कि मैं वेट लूज़ करूँगा, और वो लोग कर पाते हैं कि जो ये समझते हैं कि इसके बाद मैं हेल्थी हो जाऊँगा। तो हमेशा पॉजिटिव आउटकम पे जब हम नज़र रखते हैं तो हम वो टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो हम जब प्रोसेस को देखते हैं, उस सारा कुछ को देखते हैं, तो प्रोसेस हमें थका देता है। आपने हमेशा अगर इस नए काम को, किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अगर आपने उसकी पॉजिटिव आउटकम्स पे नज़र रखनी है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई विल हैव कंप्लीटेड इट व्हाट आउटकम विल बी देयर, हम आप उस पॉजिटिव आउटकम पे नज़र रखेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रोसेस को देखेंगे और उसमें हर्डल्स को देखेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे तो आप हो सकता है कि इतने एनर्जेटिक ना रहें। आमतौर पे जो लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, हम एक मिसाल आमतौर पे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये दोनों हाथ अपने खड़े कर लेता हूँ तो आप बैक वक्त मेरे दोनों हाथ नहीं देख सकते। आप एक हाथ को देखते हैं तो दूसरा हाथ डी फोकस हो जाता है, आप दूसरे हाथ को फोकस करते हैं तो पहला हाथ डी फोकस हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हम एक वक्त में एक चीज़ पे पूरी तरह फोकस कर सकते हैं, एक चीज़ में एक चीज़ को पूरी तरह देख सकते हैं। और आमतौर पे ये मिसाल सिर्फ इसीलिए है कि आप बाज़ों का चीज़ों की डार्क साइड्स को हम इतना देखना शुरू कर देते हैं, जो उस डार्क क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग होती है वो हमें नज़र आना बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव आउटकम्स पे नज़र रखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल बी आवर कंट्रीब्यूशन, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जैसे मैं इस गुफ्तगू के शुरू में कह रहा था कि हम जो कुछ भी हैं, हमारे बच्चे जो कुछ भी हैं या बाहर जो कुछ भी हो रहा है, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स को शेप करते हैं। तो हमने अपनी इस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस ताकत को जब समझना है और फिर पॉजिटिव आउटकम्स पे हमने नज़र रखनी है तो इट विल गिव अस लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। हम आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस योर प्लान्स रेदर देन ओवर कमिट, ओवर कमिटमेंट से बचना है। वंस अगेन ये हमारा एक जो दहरीना मसला जिसकी तरफ मैं टाइम एंड अगेन इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि हम हाई फ्लोन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हम हाई कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और हम ओवर कमिट करते हैं उसी ट्रैप में आके। हमने इस ट्रैप से बचना है कि हमने ओवर कमिट नहीं करना कि जी हम तो पूरी दुनिया को सुधार देंगे, तो हम इस शहर के तमाम उनको सुधार देंगे। नो, जैसे हम पीछे कह रहे थे कि आपका
जो टारगेट हो, आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो अटेनेबल हो. वंस अगेन हमने अपना जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है, अपने ज़ाती स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है, तो उसमें एक चीज़ इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है तो उसमें ओवर कमिटमेंट नहीं होगी. जो कुछ पॉसिबल है वो कुछ हम करेंगे कि हम ये कुछ कर सकते हैं. ओवर कमिटमेंट आखिरकार आपको शर्मिंदा ही करती है. एक प्रिंसिपल है, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि वो है प्रिंसिपल ऑफ वेल चोजन मोडेसिटी. तो आपने मॉडेस्ट होना है. यू शुड चूज टू बी मॉडेस्ट. ओवर कमिटमेंट आपको, ओवर कमिटमेंट से आप खुद थक जाते हैं इससे पहले कि वो कोई काम आप कर पाएँ. एंड टेक डेली एक्शंस इवन इफ दे आर स्मॉल टू मेक थिंग्स हैपन. और हम आमतौर पर समझते हैं कि हमने स्मॉल स्टेप्स लेंगे तो हम स्मॉल लगेंगे, हम छोटे स्टेप्स लेंगे तो हम छोटे लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता. हर छोटे में बड़ा छुपा होता है. बहुत से छोटे मिलके एक बड़ा बनाते हैं. तो हमने डेली की बुनियादों पे एज़ कम्पेयर विद के हम ये देखें कि हमने पूरा 1K2 तय करना है, तो हमने ये देखना है कि हम रोज़ाना कुछ फीट अगर तय करते रहें तो कितनी देर के अंदर हम वो पूरा K2 तय कर पाएंगे. तो हमने छोटे छोटे स्टेप्स में एक बड़ी सक्सेस को, कि जैसे लाहौर से मुल्तान की मैं मिसाल शुरू में दे रहा था, तो उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में एक बड़े ऑब्जेक्टिव को डिवाइड करना है. तो आप का ये स्ट्रेटेजिक प्लान बन जाएगा कि हमने कहाँ तक पहुँचना है और उसके बाद कहाँ तक पहुँचना है. जैसे हम वैल्यूज़ में देख रहे थे कि जो आपकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, आपकी कंटिन्यूस लर्निंग को पॉसिबल बनाए, इस किस्म का कोई प्लान बनाए एंड देन स्टिक टू इट. आखिर में हम ये देखते हैं कि ये जो कुछ कम्युनिटी कॉलेजेस का तजर्बा आप करना चाह रहे हैं, ये थोड़ी सी रिसर्च आपसे डिमांड करता है और सक्सेसफुल मॉडल्स की स्टडी आपसे डिमांड करता है. आप इंटरनेट का दौर है, जैसे मैं कह रहा था कि एवरीथिंग इज़ एट योर फिंगर टिप्स, सो यू कैन सर्च फॉर सेवरल थिंग्स. और इसके अलावा आप अपने इदारों से भी इस किस्म के सक्सेसफुल मॉडल्स की आप स्टडी कर सकते हैं. और जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरों के तजर्बों से बहुत कुछ सीखते हैं. तो ये देखें कि वो लोग कैसे रन कर रहे हैं, इसे कैसे चला रहे हैं. ख़ासतौर पे US ने कैसे ये मॉडल क्रिएट किया और वो US अब कैसे लर्न कर रहा है, वो देख के. ये नहीं है कि हमने 100% जहाँ वही कुछ रेप्लिकेट कर देना है. नहीं, हमने थोड़ा सा उसमें अपनी इनोवेशन और अपना जो इंडिविजुअलिटी है वो भी हमारे रिफ्लेक्ट करें, और हमारी मार्केट और हमारी टोटल जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उसमें वो सारा कुछ समा पाए. बट स्टिल हमें, अगर इन मॉडल्स का मुतालिया करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा. और उसके अलावा जब भी आपको जब भी कोई इस किस्म का मॉडल आप उसका स्टडी करते हैं तो उसे कस्टमाइज़ करें, उसे लोकलाइज़ करें और अपने आउटकम्स को रिसर्च करें कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हो सकता है कि उनकी मार्केट के डायनामिक्स कुछ और हों, वो कुछ और अचीव करना चाह रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन चूँकि डिफरेंट होगी तो हमें उन आउटकम्स को रिसर्च करना चाहिए और रीअरेंज करना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारा स्टूडेंट, जो हमारी प्रोडक्ट है, वो एट द एंड ऑफ द डे क्या कर रही होगी. और बेस्ट प्रैक्टिसेस का मुतालिया करने के दौरान बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाएं और रेप्लिकेबल लोकल मॉडल्स बनाएं कि जिससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें और रोल मॉडल बने. एंड थैंक यू वेरी मच. उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा. तो क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम एक दूसरे से क्वेश्चन कर पाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच.